दोस्तों बरसात के मौसम में पौधों को नेचुरल रूप से पोषण मिलता है पानी के रूप में। वहीं पर बगीचे में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको ये नेचुरल रूप से मिलने वाला पानी नुकसान पहुंचाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे ही पौधों को शेयर करूंगी जो कि लगातार बरसते हुए पानी में अपने आप को सहन नहीं कर पाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये पौधे कौन से हैं और किस तरीके से इन्हें बरसात के पानी से हमें बचाना है, तो चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जब कई दिनों तक लगातार बरसात होती रहती है तो हमारे बगीचे में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस लिस्ट में हमारा पहला पौधा कौन सा है। तो पहले पौधे के रूप में मैंने यहाँ पर विंका यानी कि सदाबहार के पौधे को लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक देसी आती है और दूसरी वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो देसी वैरायटी तो हार्डी होती है जो कि लगातार बरसात के पानी को झेल जाती है, लेकिन जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी होती है ये बरसात के पानी को बिल्कुल भी नहीं झेल पाती है। और जैसे ही गमले में बरसात का पानी पड़ता है हाइब्रिड वैरायटी के विंका के पौधे गलना शुरू हो जाते हैं, और गलने की वजह से इनकी पत्तियां भी धीरे धीरे गल कर उसमें फंगस आ जाती है और वो नीचे गिरने लगती हैं। इसके अलावा इनके तने भी नीचे से गल कर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने विंका के पौधे को बरसात के पानी से बचाइए, उन्हें उठा के कहीं ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ इनके ऊपर बिल्कुल भी बरसात का पानी ना पड़ता हो, क्योंकि विंका के पौधे को वैसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पौधा हमारा अजवाइन का है। तो ये पौधा भी जब लगातार कई दिनों तक बरसात होती रहती है तो गमले में पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से इस पौधे में भी धीरे से नीचे से तने गलने लगते हैं और इसमें लीफ रॉट और रूट रॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा धीरे धीरे से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बरसात के पानी से अपने अजवाइन के पौधे को भी आप बचा के रखें। इस लिस्ट में तीसरा पौधा हमारा मिंट यानी कि पुदीने का है। तो फ्रेंड्स ये भी पौधा एक ऐसा पौधा है जब कई दिन तक लगातार बरसात होती है तो इस पौधे की भी जड़ें और तने गलने लगते हैं, क्योंकि ये पौधा ज़मीन में फैल के बढ़ता है और लगातार पानी बरसने की वजह से गमले में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस पौधे को भी आप बरसात के पानी से बचा कर रखें। तो बचाने के लिए अगर आप गमले को नहीं उठा सकते हैं तो किसी पॉलीथीन वगैरह मजबूत से इसको ढक दें, जिससे कि बरसात का पानी पुदीने की जड़ों तक ना पहुँच सके। अगला पौधा हमारा सीडम का है, जो कि आउटडोर प्लांट होने के साथ साथ हैंगिंग बास्केट में फ्रेंड्स लगाया जाता है। ये पौधा देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और गर्मियों में इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जब कई दिनों तक बरसात का पानी इसके ऊपर पड़ने लगता है तो इसके नीचे से जड़ें और इसके तने जो हैं वो गलने लगते हैं, क्योंकि ये एक सकुलेंट श्रेणी की में आने वाला पौधा है। इसलिए इस पौधे को भी आप बरसात के पानी से बचाएं, उठा के इसको आप अंदर रख लें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। फ्रेंड्स ऐसी जगह इसको रखना है जहाँ पे लाइट अच्छे से आती हो, क्योंकि अगर इसे डार्क प्लेस में रखेंगे तो भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा। अगला पौधा हमारा गजानिया का है। तो फ्रेंड्स इस पे फूल सर्दियों में काफ़ी आते हैं, लेकिन ये साल भर फूल देता रहता है। गर्मी के मौसम में इसमें फूल थोड़े कम आते हैं और उनकी साइज़ छोटी हो जाती है, पर बरसात के पानी से इसको भी बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बरसात का पानी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए इसमें नीचे से इसके तने गलने लगते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास गजानिया का पौधा है तो उसको भी इस बरसात के पानी से आप बचा के कहीं अंदर रखें। अगला पौधा हमारा इस लिस्ट में अडेनियम का है। तो फ्रेंड्स अडेनियम के पौधे को भी ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं होता है, और जब बरसात के समय में कई दिनों तक लगातार बरसात होती रहती है और वो पानी इसके गमले में इकट्ठा होता रहता है तो इसके नीचे से तने गल जाते हैं, साथ में इसकी जड़ें भी गल जाती हैं और ऊपर से इसकी पत्तियों पर भी गलन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप बरसात के पानी से अपने अडेनियम के पौधे को भी बचा के रखें। इसके बाद अगला पौधा हमारा बेबी सनरोज का है। तो फ्रेंड्स इसको भी पानी से बचा के रखना होता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी बरसात का पानी या फिर ज़्यादा पानी मिल जाता है तो इसके नीचे के तने गलने लगते हैं और पत्तियों में फंगस आ जाती है। तो अगर आपके पास ये पौधा भी है तो इसे भी बरसात के पानी से आप बचा के रखें। इस लिस्ट में अगला पौधा हमारा कलांचू का है। तो फ्रेंड्स ये सर्दियों वाला पौधा है और पूरे साल भर ही रहता है, लेकिन जब बरसात का पानी इसके ऊपर काफ़ी समय तक पड़ता रहता है तो इस पौधे के नीचे से तने गले लगते हैं, क्योंकि इस पौधे के तने काफ़ी मुलायम होते हैं। इसलिए इस पौधे को भी आप बरसात के पानी से बचा कर रखें।
अगला पौधा एलोवेरा का है, तो एलोवेरा के पौधे को भी बरसात के पानी से बचा के रखें, क्योंकि बरसात का जब पानी कई दिनों तक लगातार बरसता है और एलोवेरा की पत्तियों पर पड़ता है तो एलोवेरा की पत्तियां गलने लगती हैं, साथ में नीचे से इसकी जड़ भी ख़राब होने लगती है और पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए इस पौधे को भी आप बचा के बरसात के पानी से रखें। इस लिस्ट में अगला पौधा हमारा जेट प्लांट का है, तो फ्रेंड्स जेट प्लांट के पौधे को भी बरसात का पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि जब इसके ऊपर भी कई दिनों तक लगातार बरसात का पानी गिरता रहता है तो जेट प्लांट की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसके अलावा ये सक्कुलेंट प्लांट होता है, इस वजह से इसके तने भी काफ़ी मुलायम होते हैं तो वो भी गलकर सड़ने लगते हैं। तो आप अपने जेट प्लांट के पौधे को भी बरसात के पानी से बचा कर रखें। अगला पौधा हमारा जलवेरा का है, तो जलवेरा के पौधे को भी बरसात के पानी से बचा कर काफ़ी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पौधे को भी अगर बरसात का पानी ज़्यादा मिल जाता है तो इसके नीचे से तने और इसकी पत्तियां गलने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ये पौधा आपका बगीचे में रखा हुआ है तो इस पौधे को भी आप उठाकर कहीं ऐसी जगह पर रख लें जहां पर बरसात का पानी इस पौधे के ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। अगला और लास्ट पौधा हमारा कोलियस का है, तो फ्रेंड्स कोलियस के पौधे को भी बरसात के पानी से काफ़ी बचा के रखना होता है, क्योंकि बरसात के पानी में काफ़ी एसिड होता है और कोलियस के पौधे की पत्तियां और तने काफ़ी मुलायम होते हैं जो कि इस पानी की वजह से गल जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका कोलियस का पौधा आपके पास है तो उसको भी आप बरसात के पानी से बचा कर रखें। इसके अलावा जितने भी सकुलेंट श्रेणी में आने वाले पौधे हैं वो सभी बरसात के पानी से गल के ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इन पौधों पर आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप अपने पौधों के गमलों पर ध्यान रखें कि अगर किसी गमले से पानी बरसने के बाद में आधे घंटे तक पानी ड्रेनेज होल से नहीं निकलता है और गमले में पानी इकट्ठा रहता है तो तुरंत आप उस गमले के ड्रेनेज होल को चेक करें और उसको सही करें, तो इस तरीके से बगीचे में आपके पौधे ख़राब होने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे पौधे जिन्हें कि बरसात का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए बरसात आने से पहले इन पौधों को कहीं ऐसी जगह रख लेना चाहिए जहां पर इनके ऊपर बरसात का पानी बिल्कुल भी ना पड़े।